हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है कि पेंसिल को हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्यों पकड़ते हैं। पेंसिल को हम दो तरीके से पकड़ते हैं, एक ओवर हैंड ग्रिप, एक ट्राइपॉड ग्रिप। ओवर हैंड ग्रिप में क्या होता है कि हम अपने ऑब्जेक्ट से थोड़ा दूर खड़े होकर बनाते हैं, और पेंसिल को तीन उंगली और एक अंगूठे की मदद से हम पकड़ के ड्रॉ करते हैं, ताकि हमें अपना ऑब्जेक्ट पूरा दिखाई दे, जिसमें हम उसमें डिटेल ना दें बिल्कुल भी, और सिर्फ उसकी आउटलाइनिंग को लंबी लंबी लाइनों में ड्रॉ कर सके। दूसरा होता है ट्राइपॉड ग्रिप, जिससे जो हम बचपन से पकड़ते हुए, जिस तरीके से पेंसिल पकड़ते हुए आ रहे हैं बचपन से, वो ही ट्राइपॉड ग्रिप होता है। उसमें हम ड्रॉइंग में शेडिंग दे सकते हैं, कोई भी डिटेल्स कर सकते हैं आराम से बैठ के। तो दो तरीके से हम पेंसिल को पकड़ सकते हैं। और आज का आपका सवाल है कि जब हम ओवर हैंड ग्रिप से काम कर रहे होते हैं, तो हमें अपनी पेंसिल की नोक को लंबा रखना चाहिए या छोटा रखना चाहिए? कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।